हयात शेख, ये जो आपकी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे बरकतुल्ला शेख और गुंजन, इन्होंने आज अचानक जो है फॉर्म अपना वापस ले लिया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिस तरह से शहर में ये बात फैल रही है कि उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है, इसकी कोई अभी तक अधिकृत पुष्टि हुई नहीं। हमारे पास है पुष्टि, हमने पूरी मीडिया के नाते हम बता रहे हैं, हमारे पास पुष्टि है, अब क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के साथ में और पार्टी के लोगों के साथ में, कार्यकर्ता में बहुत बुरा काम किया है। इसके लिए ऊपर के सदर को भी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये कार्यकर्ताओं के साथ में, जो लोग इच्छुक थे उनके साथ में, और ये शहर के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया है गुंजन सेठ ने। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया तो पार्टी के विश्वास को उनको बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन उसको ना करते हुए उन्होंने, गुंजन सेठ ने पार्टी को और शहर को धोखा दिया है। अगर ये ऐसा उन्होंने किया है तो 100% उन्होंने शहर के हाथ में धोखा किया है। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है रफीक भाई, सबसे पहली बात तो अगर हमारे पार्टी उम्मीदवार तय कर रही है और अब पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सदर ने जो फैसला लिया है, कुछ लोगों में से कैंडिडेट चुना है, अभी इस पे हमारे सदर जो असद सदर तो इस्तखारा करके उम्मीदवार चुनते हैं ना, ये सिर्फ बेवजह की अफवाहें हैं, ऐसा कोई अफवाह नहीं है, नहीं है उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हैदराबाद के उनके चुने हुए एमएलओ के स्टेटमेंट है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उन्होंने बोला था, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस्तखारा करके उम्मीदवार चुनते हैं वो। कुछ लोगों ने नई टिकट मिलने की वजह से शायद ऐसा बोला होगा कि भाई उन लोग ने मतलब अपनी जाति राय या अपने गुस्से के तहत ऐसा इस तरह से बोला होगा कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कौसर मोहिउद्दीन कारवा एमएलए ऑफ हैदराबाद, इनका स्टेटमेंट है ये। नहीं, हम उनसे जरूर पूछेंगे, कौसर मोहिउद्दीन से ये बात हम जरूर पूछेंगे कि आपने इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दिया। हम उनसे ये बात को जरूर पूछेंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया। और रही बात मुमला शहर के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह हम पूरी इस पर पूरी मेहनत करेंगे और हमारे सदर से मालूम करेंगे क्या माजरा है। आप क्या मेहनत करेंगे या किसी दूसरे कैंडिडेट को हम मदद करनी है? मैदान में नहीं है तो आप क्या मेहनत करेंगे? नहीं, हम किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जो हमारी पार्टी थे हाजी मस्जिद ने भरा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, अपना सपोर्ट उन्होंने भी तो ले लिया है वापस। नहीं, उन्होंने फॉर्म वापस नहीं ले लिया है, उन्होंने भी ले लिया है। अब देखते हैं साहब, 5 बजे के बाद में इसकी अधिकृत पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद में पूरा मालूम हो जाएगा। आपको पुष्टि के साथ बता रहे हैं, जो भी हुआ, अगर ये जैसा भी हुआ, ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, शहर के तालुक से बहुत बड़ा धोखा है। क्या बोलेंगे जो घटनाक्रम सामने आया है, एमआईएम के उम्मीदवार अचानक वापस हो गए, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा सौदा हुआ है, उस सौदेबाजी में जो है उन्होंने पूरी एमआईएम को बेच दिया है। इसके ताल्लुक से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये ना एक पर्टिकुलर पार्टी के तहत धोखा हुआ है, इनफैक्ट ये पूरे शहर के साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे एक लग रहा था कि एक मजबूत ऑपोजिशन जो उभर के आ रहा था काफ़ी टाइम से मजलिस के रूप में, वो अपोजिशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। 2017 में भी इस तरीके से जो हैदराबादियों ने किया था शहर में आने के बाद, उन्होंने अपनी चलाई थी, इस बार तो उनका कोई बंदा भी नहीं आया जो मॉनिटर करने की टीम में आती थी उनकी। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो है एमआईएम के सुप्रीमो, वो कह रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, वो उनका लुकाउट है चाचू। ऐसा है कि अभी तो मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। नहीं, एमआईएम में थे पहले आप, अभी नहीं है, पहले थे? हाँ बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त जो जब था, जब देखा हुआ था 2017 में जिस तरीके से हालात हुए, उस हालात को देखे हम लोगों ने पार्टी से किनारा कर चुके थे। ये जो चीज़ आज रिपीट हुई है, इस चीज़ पहले भी हो चुकी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और उनकी जो मॉनिटरिंग टीम यहाँ पे नहीं आई, इस बार 2014 में आई थी, 2017 में आई थी, उनका नहीं आने का रीज़न और ऊपर से जो कुछ भी हालात पैदा हुए, अभी कैंडिडेट ने फॉर्म वापस ले लिया। ये सिम्टम्स जो संकेत बता रहे हैं, वो आपका कहने का मतलब इशारा ये है कि ऊपर से नीचे तक का सब बिल्कुल 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 ऊपर से नीचे तक पूरा सेटअप है, बिल्कुल सेटअप है। क्या जान रहे हैं एमआईएम वालों की, आपके उम्मीदवार ने जो है हिट विकेट कर दिया है, मैच शुरू होने से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? खुला खुला आरोप है कि बड़ी सौदेबाजी हुई है और बड़े सौदे के तहत जो है ये पूरा खेल खेला गया है। इसके बारे में हम जो एमआईएम, जो हमारी यहाँ की यूथ की टीम है, सब बैठ के इस पर डिसीजन लेंगे आज। आप यूथ में हैं कि पेरेंट में? हम तो पेरेंट में हैं, लेकिन हम सब साथ में मिलके इस पर डिसीजन लेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर न्यूज़ बनाएंगे इसके साथ। अच्छा, क्या न्यूज़ आप नहीं बनाएंगे? न्यूज़ बनाना हम लोग, हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे भी क्या करने का। तो ऐसा है कि ये जो डिसीजन हुआ है, जो फॉर्म वापस लिया गया, असद साहब जो आपके हैं एमआईएम के सुप्रीमो, उनका तो दावा था कि 9 लोगों ने मांगा था, उनमें सबसे अच्छा और मजबूत उम्मीदवार मैंने दिया हूँ, तो क्या हो गया मजबूत उम्मीदवार को, असद साहब के दावे को क्या हो गया? ये उनकी सोच थी कि अच्छे उम्मीदवार है, अच्छे ताकतवर उम्मीदवार है, उससे अच्छे भी उम्मीदवार मुमरा में है, अब उनको फैसला करना, तो उन्होंने फैसला किए उनके हिसाब से। तो ये फैसला तो सरासर गलत साबित हुआ ना? नहीं, गलत साबित हुआ, अभी उनके बारे में बात करेंगे ना साहब से अभी हम लोग कि क्यों फैसला ऐसा किया हमारे साथ में, मुमरा पूरा खत्म कर दिए, क्या कर दिए?
अभित कल्ला ने, आप MIM से चुनाव लड़ चुके हैं, आप जो है ये जो सौदेबाजी हुई है, आपका उम्मीदवार बिक गया, आपका पूरा जो है सभी MIM के लोगों का करियर दांव पर लग गया, और आपके कायद कहलाने वाले जिनको आप अपना गुरूर मानते हो उनका फैसला सरासर गलत साबित हुआ, ये सौदेबाजी जो है क्या कहेंगे आप एक MIM के सिपहसालार होने के नाते? मैं खाली इतना ही कहूँगा रफीक भाई, जो हुआ हमारे साथ गलत हुआ, हमने उसका अल्टीमेटम भी दे दिया था कि ये कैंडिडेट दागी है, फलाल है। खैर कुछ मशहूर शहर के लोगों के भी गए, बड़े लोगों के, कि भाई गुंजन चलेगा करके, इनको गुंजन एक अच्छा उम्मीदवार करके गलत मैसेज दे के चलाया गया। चलो खैर हमारे को मिल गया, हम उसके लिए काम भी कर रहे थे माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे। ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ में हमारा करियर बर्बाद होगा। आप जो हो गया, अभी एक आम आदमी ने प्रतिक्रिया दी कि हर चुनाव में MIM जो है हैदराबाद से जो है ऑब्जर्वर टीम भेजती है जी, जो चुनाव से 8 दिन 15 दिन पहले आ जाती है। इस चुनाव में मुमरा कौसा में कहीं भी कोई भी हैदराबाद की ऑब्जर्वर टीम नहीं दिखाई दे रही है, ये किस बात की ओर संकेत करता जी? रफीक भाई मैं एकदम क्लियर बताऊं, इस बात के बारे में कुछ जरा भी इल्म नहीं है। लेकिन आप 2017 का मनपा चुनाव लड़े थे, उस वक्त टिकट बंटवारे उम्मीदवारों के सिलेक्शन के पहले ऑब्जर्वर टीम आ चुकी थी और वो चुनाव खत्म होने के बाद ही गई जी। जी इस बार क्यों नहीं आई जी? उसका नहीं पता है मुझे, नहीं पता है। और रही अभी हमारा फैसला भी, इंशाल्लाह ताला कल हम हमारी जमात में वापस बैठेंगे, हमारी जमात का एक फैसला होगा और इंशाल्लाह ताला उसका आगाज हम करके दिखा देंगे। नहीं, ये MIM का चुनाव शुरू होने से, ये जो कल जो चल रहा है इसमें तो पूरा चुनाव बीत जाएगा जी। जी भाई, लेकिन ऐसा इतना बड़ा विश्वासघात गुंजन जैसा आदमी आके कर देगा ये पता नहीं था ना, ये पता नहीं था हमें। एक MIM के बहुत बड़े सपोर्टर है आमिर फारूकी साहब, उनसे हम पूछेंगे। आमिर भाई क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे, बस क्या कहेंगे आप? अफसोस है इस बात का, और क्या कहें, गुंजन ने गलत किया जो भी किया। कायद का फैसला तो हमने मंजूर कर लिया था, कायद का फैसला ही गलत साबित हो गया ना गुंजन के इस कदम से, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा था कि ये इस तरीके से दगा देगा। नहीं, अभी कई लोग बता रहे हैं इनपुट्स गए थे, रिपोर्ट दिया गया था कि नहीं है, इस बारे में ये है वो है, उसके बावजूद जो है उन्होंने उसको उम्मीदवार तय किया और वो उम्मीदवार बैठ गया। अभी आबिद भाई से मैंने कुछ बातें पूछी, आपने सुना, कोई ऑब्जर्वर हैदराबाद से नहीं आया जबकि हमेशा आते हैं, तो पार्टी का ये काम करने का सिस्टम इस चुनाव में क्यों बदल गया? इस बारे में भाई मैं कुछ नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, गलत हुआ जो भी हुआ ये गलत हुआ। हमारे साथ है MIM के नगर सेवक शाह आलम साहब। शालम साहब, जो कुछ भी घटनाक्रम सामने आया है, कहा जा रहा है कि बड़ा सौदा हुआ है, बड़ा सौदा, आपका उम्मीदवार जो है एक बड़े सौदे में बिक गया है और अपने साथ साथ उसने पूरी तमाम MIM को बेच दिया है, आपके कायद का फैसला जिनका गुरूर सुरूर सब कुछ माना जाता है MIM के मजलिसी कार्यकर्ताओं के लिए, तो अभी इस घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए रफीक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं MIM का नगर सेवक हूँ और 5 साल इसी की वफादारी निभाऊंगा। 5 साल मैं MIM से था, मुझे टिकट मिली नहीं मिली उसको मैंने कभी देखा, आपने कमिटमेंट भी मेरा फॉर्म भराने की, सुनो ना वो भी बता, पर्चा भी मेरे, मुझे ये बोलना है अपने कायद से कि जो दलाल लगे थे, जो दलाल थे टिकट के लिए या जो उनके बारे में बता रहे थे, तो हमारे असद भाई को चाहिए था कि जब मुमरा के इतने लोगों ने इतना ट्वीट किया था तो उसके बारे में आप सोचना चाहिए था। बाकी जो है आज जो हुआ है वो एकदम बिल्कुल गलत है, मतलब हमारी पार्टी पूरे उसमें खत्म हो गई इनके चक्कर में। अच्छा, ये आपने बात कह दी दलालों की, तो एक बात कहूँ कि MIM के ताल्लुक से, उसके हेडक्वार्टर हैदराबाद के दारुस्सलाम के ताल्लुक से, एक आम तौर पर कही जाती है कि वहाँ पर जो है एक आम मजलिसी को जो है आसानी से प्रवेश नहीं मिलता है, एंट्री नहीं मिलती, लेकिन दलालों को आराम से मिलती है और दलाल अपनी दलाली बखूबी हमेशा वहाँ करते रहते, इसकी आपने एक तरह से तस्दीक कर दी है। नहीं नहीं नहीं, तस्दीक उसकी नहीं की, मैंने बोला दलालों की दलाली की तस्दीक, जिन लोगों ने आके इनकी तारीफ की आपके पास कि भाई ये बहुत अच्छा कैंडिडेट, अब उनको क्या मालूम है दिल्ली में रह के पूरे हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, जो लोगों ने उनके बारे में बताया, आपने पार्टी के कायद के फैसले का अभी भी बचाव कर रहे हैं, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि दलालों की सुनी गई, हाँ, जब पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की नहीं सुनी गई और दलालों की सुनी गई, उसकी वजह ये थी रफीक भाई, उसकी वजह ये थी कि हमारे शहर में जब से सदर बनने के बाद कोई एक्टिविटी में कोई रहता नहीं था, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, हर कोई MLA लड़ने जा रहा था, तो मुमरा का सबसे बड़ा मसला तो यही हुआ ना कि लोगों ने उनकी सुनी नहीं, मुमरा के लोगों की। तो ये जो सौदेबाजी हुई है बिल्कुल, क्या मालूम है आपके पास? मुझे तो 4 बजे मुझे तो मेरी जमीन खिसक गई कि हमारे कैंडिडेट ने फॉर्म रिवर्स लिया,
मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़। मैं तो कैंपेनिंग के लिए वहाँ मुमरा स्टेशन पे था, कई लोगों से मिल रहा था कि भाई चलो हम लोग कर रहे हैं MIM का, हम लोग काम करेंगे। ये तो मुझे 4 बजे एक फ़ोन आया, मैंने बोला यार मेरे को रिपोर्ट नहीं, तो मैंने सदर को फ़ोन किया, फिर उनके भाई को फ़ोन किया, हमारे जो कैंडिडेट उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी शहर में खबर चल रही, सच्चाई है यही, क्या करूँ मैं। अब आप लोग क्या तय करेंगे, अब आपका उम्मीदवार मैदान में नहीं है तो चुनाव को लेकर तमाम लोग जो मुमरा के कार्यकर्ता जो MIM के कार्यकर्ता थे जो सारे लोग है, अब बैठेंगे इंशाल्लाह कुछ बात करें, कुछ फैसला हल निकाला जाएगा, लेकिन अब तो कोई कैंडिडेट का कुछ हो नहीं सकता, अब देखते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ है कलवा मुमरा विधानसभा के MIM के अध्यक्ष जनाब अब्दुल रऊफ लाला साहब। रऊफ भाई, इतना बड़ा कांड हो गया, उम्मीदवार मैदान से गायब हो गया, साफ साफ कहा जा रहा है कि सौदा हुआ है, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने देखा कि शमीम भाई ने कैप्टन की तरह एक एग्जीक्यूशन किया है, एक अच्छा काम किया है, और मेरी उनकी भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे डोरेमान कहने वालों को मैंने जवाब दिया है और मैंने जो है काम बजा दिया है। तो ये क्या है पूरा मामला, क्या रोशनी डालेंगे आप, कहाँ तक का ये सेटअप था बिकने का, कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर ये जो खेल खेला गया, तो ये कहाँ तक का था? ये असल में मुझे नहीं लगता कि शमीम जैसे लेवल पे मतलब जो है ना ये काम हो सकता है। इसमें अब कोई मतलब जो तो संदेह नहीं है, कोई शक नहीं इस बात का कि ये खेल पूरा के पूरा जितेंद्र आवाड ने किया है। जितेंद्र आवाड की कोशिशें हमेशा से रही है, पहले समाजवादी को ख़त्म करने की, फिर कांग्रेस को ख़त्म करने की। MIM इसके लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, और मतलब ये खबरें हमको आ रही थी रफीक भाई, आज कोई चीज़ हम छुपाएंगे नहीं आपसे, ये खबरें हमको आ रही थी, ये पता चल रहा था कि ये मैनेज कैंडिडेट, ये बिक जाएगा। मैं अभी मेरे मोबाइल को खोल के मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखाऊंगा। मैंने असद साहब को 5 मैसेज भेजा जी, उस मैसेज के अंदर मैंने असद साहब को आखिरी मैसेज जो भेजा उसमें मैंने लिखा कि असद साहब, मैंने आज तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट मैनेज हो जाएगा। ये पहले एक बार जो है कॉरपोरेशन जीतते शिवसेना से मैनेज हो चुका था, कोकण भवन से, आपको पता है कोकण भवन से हमने इसको पकड़ के लाया था, ये सुभाष भोईर के साथ वहाँ से पैसे लेके मैनेज हो रहा था। अभी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन और MIM के कैंडिडेट के सामने मतलब जो है इसने जो है अपने भतीजे को जफर सैयद को कैंडिडेट बना दिया था, और मतलब जो है एकनाथ शिंदे से इसने झोल की थी, वो खबर हमको मतलब आई। मैंने वो ऊपर अरफात अवेसी को और असद साहब को मैंने वो भेजा कि भाई ये खबरें मतलब आ रही है। अभी मैंने 25 सितंबर को जो है ये खबर असद साहब को भेजी, अरफात अवेसी को, अहमद बलाला को, वारिस पठान को, इम्तियाज जलील को, इतने लोगों को मैंने वार्न किया कि आप लोग गलत फैसला करने जा रहे हो, ये आदमी मतलब जो है मैनेज हो जाएगा। यहाँ लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लोगों ने झूठे केस आंग पे लिए हैं, यहाँ लड़ाई लड़ी है, हमारी लड़ाई अवार्ड से है, हमारे शहर को बर्बाद किया जिस शख्स ने उससे हमारी लड़ाई है, और ये शख्स बिक जाएगा, और ये हमारे सबको पूरी मजलिस को बेचेगा, आपको आपके नाम को बेचेगा, ये बदनाम कर देगा। मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया गया, मेरे कोई मैसेज का जवाब ना असद साहब ने, ना इम्तियाज जलील ने, ना वारिस पठान ने, किसी ने नहीं। मैं वारिस पठान के ऑफिस चल के गया, मैंने वारिस पठान से कहा कि मैंने कहा देखो ये रिपोर्टें मेरे पास आ रही है कि ये आदमी को बाकायदा टिकट दिलाया जा रहा है। उसके बाद कस्में खाई गई मेरे सामने, लाश हम नहीं उतर रहे। आपको कौन लोग थे कस्में खाने वाले, वो लोग वारिस पठान कस्में खाया है, वारिस पठान ने कहा, अवेसी ने कस्में खाई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब करके कि नहीं रोक भाई, जमात का एहतराम किए, जमात का फैसला है, जमात का ये है, इसको टिकट दिलाने में। यहाँ तक रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अहमद बलाला और अरफात अवेसी का इसके अंदर रोल था कि इसको मतलब जो तो टिकट दिलाया जाए, उनका मतलब इसके अंदर भूमिका थी, उनका रोल था, ये खबरें मेरे पास आ रही थी, ये खबरें मतलब जो तो सारी की सारी हम तक पहुँच रही थी। इसलिए कि पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लास्ट दिन हमने इतनी मेहनत की, आखिरी दिन हमारी अकबरुद्दीन अवेसी साहब की जो रैली थी वो रैली लास्ट मोमेंट पे कैंसिल की गई, और मैं आपको नाम नहीं लूँगा, एक पुलिस ऑफिसर ने इलेक्शन के बाद मुझे ये बताया कि वो रैली आपकी जो है अकबर साहब की तबीयत की वजह से कैंसिल नहीं की गई, बल्कि अकबर साहब को ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई कि मुमरा के लोगों ने जो है रैली तुम्हारी ख़त्म की, वो रैली ख़त्म करने का अवार्ड से पैसा लिया गया था। ये खबरें मतलब आई, ये सारी बातें मैंने हैदराबाद में मतलब की, सब चीज़ें जिम्मेदारान के कान पर मैंने डाला। मैंने कहा देखो ये बिकेगा, मैं नहीं उतर रहा था, हमारे लोगों ने नाराज़गी दिखाई, कुछ लोगों ने मुझसे मतलब जो है फ़ोन करना शुरू किया, रऊफ भाई आप उतर रहे नहीं, लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, रऊफ भाई घर में बैठ गए, क्या हो गया, उतर रहे नहीं है, बाथरूम में घुस गए क्या, बिक गए क्या, इस तरह के सवाल। मैं उतरा ईमानदारी से, मैंने सारे MIM के लोगों को इकट्ठा किया, उनके सामने ये गुंजन सेठ ने
और उनके साथ अब्दुल रऊफ पटेल, ये दोनों ने वहाँ पे हल्फ उठाकर सारी एमआईएम की टीम से पूछिए। रऊफ पटेल ने कहा था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ कि हमने दो सवाल किए थे कि एक तो ये हमको आश्वासन दीजिए गुंजन सेठ बिकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, और दूसरा आश्वासन ये दीजिए कि जो ज़रूरी तकाजे हैं, ऑफिसेस खोलना है, बैनर लगाना है, झंडे लगाना है, पब्लिसिटी करना है, सभाएं लेना है, ये सारी चीज़ें ये करेगा। हमको कसम खा के ये दोनों लोगों ने, अब्दुल रऊफ पटेल ने और गुंजन सेठ ने कसमें खा के हमको ये आश्वासन दिया। उसके बाद हमारा हर बच्चा ईमानदारी के साथ उतर गया। इसमें से एक एक नौजवान दुश्मनी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड को घुमाने हुआ कि लोग उससे डरते हैं, उसके बाप से कोई नहीं डरता, यहाँ पे डट के हम उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार थे। लेकिन हुआ क्या, कल जैसी मैं उतरा हूँ और उसके बाद मेरा वीडियो वायरल हुआ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और मैं जो है तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का मेड़ावा ले रहा हूँ, और उनको लगा कि अब ये जोश भर देगा, मोटिवेट कर देगा, सड़कों पर लोगों को उतार देगा। कल रात में 3 बजे मुझे अभी किसी ने बताया, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक फ़ोन मुझे अभी कलवा से आया था और मुझे उन्होंने बताया कि रात के 3 बजे इसका सौदा जो है तो हो गया जितेंद्र आवार से, और 2 बजे इसने अकेले जाके, हम 2 बजे इसकी ऑफिस में बैठे हैं कि बात करो, प्रेस वालों से बुला के बात करो, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए बात करो, उनके ऑफिसर्स की बात करो, उसके ऑफिस में बैठ कर मतलब जो है हम ये करें, हमको टहला रहा है वहाँ पर, और बाद में खबर ये आती कि 2 बजे जाकर जो है तो हाजी मजीद को मैंने समझाया। अच्छा रऊफ भाई, इतनी सारी जानकारी आपने सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को दी और लोगों ने दी, उसके बावजूद उन्होंने गलत फैसला लिया, गलत उम्मीदवार थोपा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया, कहीं ना कहीं अरफात अवैसी और अहमद बलाला, इन लोगों ने, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं असद साहब को, इसलिए कि अकबर साहब तो थे नहीं, वो लंदन है, असद साहब को कहीं ना कहीं इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। जब बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद साहब को किसी ने ये सवाल किया मीडिया वाले ने कि आपने कमज़ोर कैंडिडेट दिया, उसके बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया, इसलिए कि उनको ये गलत बयानी मतलब जो की गई। मैं अभी असद साहब को कंटिन्यू 2 घंटे से फ़ोन लगा रहा हूँ, अरफात अवैसी को कंटिन्यू फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, ये सेटिंग कहीं टॉप टू बॉटम तो नहीं है, दारुसलाम से लेके सीधे मुमरा तक? वल्लाहु आलम, मैंने बता दिया कि मुझे खबर अरफात अवैसी और अहमद बलाला की है जी, कि ये सारा के सारा मतलब जो है करने के अंदर जो अच्छा, है ये पूरा सौदा, एक अंदाजन क्या आपको मालूमात मिली, कितने में हुआ, क्या है? नहीं, मेरे पास ये फिगर का कोई ये नहीं। देखिए, एक बात सुन लीजिए जी, जाहिर सी बात है कि जी बरकतुल्ला शेख गुंजन ने सिर्फ अपने आप को नहीं बेचा है ना जी, वो बेचता अपने आप को तो उसकी औकात नहीं 2 करोड़ की होती, उसने पूरी मजलिस को बेचा है और मजलिस की कीमत थी और उसने पूरी मजलिस का सौदा किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसने करोड़ों में रकम ली होगी। मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा है कि इसने, इसलिए कि मैं जितेंद्र आवाड़ के पास रह चुका हूँ, मुझे मालूम है इलेक्शन के वक्त जो है उसके सर पे खून सवार रहता है, ये करोड़ों में सौदा हुआ होगा, मुझे पूरा मतलब उम्मीद है। लेकिन ये सौदा किसका हुआ, उन मासूम बच्चों का, कार्यकर्ताओं को, जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे जो असद साहब के नाम पर अपनी जान देने तैयार थे। अच्छा, मेरे दो ही सवाल अभी आपसे हैं सिर्फ। पहला सवाल ये कि इस सीनियरियो के बाद, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम आज रात में इंशाल्लाह मीटिंग लेंगे, एमआईएम के सारे पदाधिकारियों को, एमआईएम के सारे कार्यकर्ताओं को हम बुलाएंगे, सबसे मशवरा करेंगे और उस मशवरे के बाद हम फैसला लेंगे और आप लोगों को बताएंगे। मेरा आखिरी सवाल, राजनीति में, चुनावी मैदान में लड़ने की बजाय इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जीत हासिल करने को क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात सुनिए, जितेंद्र आवाड़ को जो ये मालूम है वो अपनी ज़मीन खो चुका है। मर्द का बच्चा जो है ना, जो लड़ने के लिए मैदान में आता है अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से ना, वो सियासी अपोजिशन को रहने देता और अपनी लड़ाई लड़ता है। सियासी अपोजिशन को रहने दो और लड़ो, तुमको मुमरा की आवाम तुम्हारी औकात बता देंगी। लेकिन जितेंद्र आवाड़ को पता था कि मजलिस जो है मेरा पोटला करके मतलब रुख्सत कर देंगी, इसकी वजह से उसको ये खेल खेलना पड़ा कि पूरा उसको मैनेज करना पड़ा, सब जगह, हर जगह उसको मैनेज करना। मुमरा कौसा की आवाम से क्या अपील है आपकी? मुमरा कौसा की आवाम से मैं अपील ये करना चाहता हूँ, हमारी मजलिसियों की कोई जाति लड़ाई मतलब जो है जितेंद्र आवाड़ से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इस शहर के अंदर आज मासूमों को, हमारी नस्ल को नशे की लत में लगाकर जो तबाह किया जा रहा है, आपको पता है, कल एक एनसीपी का आदमी, रात की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, कल रात की बात है, एक एनसीपी का आदमी मेरे सामने किसी से बात कर रहा है और बड़े एहतराम में बोल रहा है
कि अभी तो जितेंद्र आवाड का एकदम साफ कहना है, या तो मेरे बाजू में बैठो वरना जो है जेल में बैठो। यानी कि भाजपा जो ईडी के जरिए पूरे देश में खेल खेल रही है, खेल ये मतलब जो है तो नरेंद्र का देश भर में चलने वाला खेल मुमरा में जितेंद्र खेल रहा है। 100% देखिए यही मैं बता रहा हूँ, मैंने यही बात जिम्मेदारान को लिख कर भेजी थी कि गुंजन सेठ पर इतने केसेस हैं कि उसके ऊपर उंगली रख के कभी भी दबा सकता है और इनको दो फोटो बता सकता है, या तो नोट ले लो या जेल जाओ, ये इसकी रणनीति है। ये लड़के जीता और जो बोलता ना अल्लाह का करम है मेरे पे, मोहब्बत तो मोहब्बत पता चल जाती अगर ये लड़ता तो, ये लड़ा नहीं है, ये सेटिंग करके मतलब जीतने की कोशिश कर रहा है और मुमरा की आवाम इसका जवाब इंशाल्लाह इसको मतलब देगी। करीम भाई, विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक ये जो घटनाक्रम सामने आया है, MIM के उम्मीदवार बरकतुल्ला शेख और गुंजन सेठ ने जो है अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा इसके पीछे सौदा हुआ है, क्या कहेंगे आप? उत्तर भारतीय महासंघ के आप अध्यक्ष हैं, आपने भी एक उम्मीदवार अपने समर्थन से उतारा था हाजी अब्दुल मजीद खान, वो भी पीछे हट चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप? मुझे तो बात याद आ रही है रफीक भाई के, जो एजाज खान ने बोला था बुलबुल, तो बुलबुल उड़ गई आज, बुलबुल उड़ गई। हाँ, रही बात उत्तर भारतीय संघ की, और जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया था हाजी मजीद को, उनको भी सुबह 10 बजे इन लोगों ने खरीद लिया। मैं आपको प्रूफ देने के लिए आया हूँ, अच्छा, मीडिया को और जनता को प्रूफ ही देने आया हूँ कि उनको भी सुबह 10 बजे खरीद के दोनों एक साथ में पर्चा रिटर्न दिए। हाँ, ये बुलबुल सेठ ने उसका पर्चा रिटर्न दिलवाया है। अच्छा, ये उम्मीदवार खरीदने की नौबत क्यों आ रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जितेंद्र आवाड़ पर? सर, इसका मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, इसका तो जवाब उनको देना चाहिए, उन MIM के जो नौजवान बच्चों का दिल टूटा है बिचारों का। नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे, फिर से मैं मेरा सवाल दोहरा रहा हूं कि चुनाव है, एक अखाड़ा है, एक मैदान है, दो पहलवान चार पहलवान लड़ेंगे, जीतने वाला एक पहलवान उसमें जीतेगा, तो लड़ करके जीतने से ज्यादा ऐसा क्यों कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके उम्मीदवार जितेंद्र आवाड़ कि वो सीधा उम्मीदवार खरीद रहे? क्यों खरीद रहे उम्मीदवार? क्यों अब की बार क्या जनता उनको वोट नहीं देने वाली थी, ऐसा डर सता रहा था कहीं? सर, अभी इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँ कि वो बिके हैं या उनको खरीदा गया है, लेकिन ये जरूर है। अभी आपने हाजी मजीद का तो कहा ना कि वो बिके। हाँ, बिके, सुबह जाकर उनको किस शर्त पे खरीदा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, मेरे पीछे उस कैंडिडेट को खरीदा गया और खरीदने वाले बुलबुल ही सेठ है। अच्छा, खरीदने वाले भी बुलबुल सेठ है। अब इनका क्या टाइप जितेंद्र आवाड़ से, इनका क्या टाइप किससे, इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये MIM को बदनाम करने की और खत्म करने की, जबकि मैं कहीं ना कहीं पार्ट में समर्थक रहा, लेकिन ये MIM को खत्म करने के नौजवान दोस्तों की, नौजवान साहित्य में जो बेचारे पोस्ट होल्डर है, उनको सरासर खत्म किया गया, ये कुछ पैसों के चक्कर में या कहीं डर के चक्कर में, ये वही जानते हैं, जानता है। MIM की जो शीर्ष लीडरशिप है, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी, उनका ये फैसला था, उनका कहना था कि बहुत मजबूत उम्मीदवार मैंने दिया हूँ, तो ये मजबूत उम्मीदवार अचानक पीछे घूम गया है, तो लीडरशिप के इस फैसले को लेकर के क्या कहेंगे आप? इतना विरोध होने के बावजूद, असद साहब को ट्वीट करने के बावजूद, हम जैसे लोगों ने भी ट्वीट किया उनको कि सर आपने गलत कैंडिडेट दिया है, पूरे मुमरा का एक बड़ा जनाधार ट्वीट किया है और मैसेज दिया कि आपने गलत कैंडिडेट दिया है। 2 दिन रुकने के बाद में फिर वो टिकट उन्हीं को कंफर्म की जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं तो बोलूंगा MIM नीचे से लेके ऊपर तक का भी क्यों है, तो क्यों तो मुमरा के इतने सारे मुसलमानों ने, आप जैसे जो है हमेशा सक्रिय रहने वाले मुस्लिम समाज सेवकों ने ट्वीट करके अपनी भावनाएं पहुंचाई, जो नेता कौम की भावना ही नहीं पहुंचा सकता, भावना ही नहीं समझ सकता, उसे क्या कौम का नेता मानना चाहिए? मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि चोर है ये लोग, मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूँ रफीक भाई, शुरू से मैं चिल्ला रहा हूँ, सब लोगों के बीच में मैं चिल्ला रहा हूँ, तो कुछ को मेरी बात समझ में आती है, कुछ को नहीं भी समझ में आती है, तो अल्लाह जाने क्यों नहीं, क्यों लोग समझते भी नहीं असलियत। आपका भी उम्मीदवार बैठ गया, MIM का भी उम्मीदवार बैठ गया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब देखेंगे क्या होती है मुमरा शहर की राजनीति का भी, इसका जवाब मैं नहीं दे, हमारी संगठन की जब तक मीटिंग नहीं होगी, हमारे उत्तर भारतीय संगठन की जब तक मीटिंग नहीं होगी, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जवाब, आज ही कल में इंशाल्लाह हमारा जवाब पक्का आएगा शहर के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में 149 मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख उम्मीदवारी वापस लेने के दिन अचानक एक नाटकीय मोड़ आता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अधिकृत उम्मीदवार पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जिद करके तय किए गए उम्मीदवार बरकत अली शेख उर्फ बरकतुल्ला शेख उर्फ गुंजन सेठ अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान का दावा है कि हमने उनको खरीद लिया है, हमने उनकी विकेट गिरा दी है। तो कुल मिलाकर के हमने आज एनसीपी के बातों के चलते MIM के यहाँ के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ लाला, MIM के अन्य पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता, उन सभी की प्रतिक्रियाएं ली और आज ये राजनीतिक घटनाक्रम में जो ये
ड्रामेटिक मोड आया है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।